डेरा मुराद जमाली में कोरोना हिफाजती आलात फराहम न करने पर पैरा मेडिकल स्टाफ फेडरेशन नसीराबाद और पीएमए का हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। सियासी समाजी शख्सियात का इजहार यकजहती। पीएमएसएफ सदर फजल मोहम्मद खोसा, जनरल सेक्रेटरी मेहरुल्ला मौसियानी ने कहा है कि कोरोना सेफ्टी किट और दीगर हिफाजती सामान मुहैया न करना तमाम स्टाफ को मौत के मुँह में धकेलने के मुतरादिफ है। तमाम स्टाफ इंसानी हमदर्दी को मद्देनजर रखते हुए अपने फराइज एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। हेल्थ इंतजामिया फंड्स मौजूद होने के बावजूद स्टाफ को हिफाजती आलात नहीं दिए जा रहे, जबकि इसके बरक्स बड़े बड़े लफ्जी दावे किए जा रहे हैं। अमली तौर पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा, जो कि अमले के जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। हेल्थ इंतजामिया को वाजिया पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया जा सकता तो आइंदा का लाया अमल वाजिया करके एहतजाजी कैंप का इनका किया जाए, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतलका हेल्थ इंतजामिया की पर आयद होगी।